हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 यानी शीत युद्ध के दौर के एमसीक्यूज करने वाले हैं दोस्तों। और ये दोस्तों एमसीक्यू का पार्ट 1 है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरी देखें। और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर द्वारा दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपको एक ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाएं जो आपको नवंबर दिसंबर में जो सीबीएसई के टर्म्स 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हो दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दोबारा ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सबसे पहली घटना दोस्तों, जैसे नंबर 1 है परमाणु अप्रसार संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, START 1 और START 2। तो अब हमें दोस्तों इसे काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और सबसे पहले कौन सी संधि की गई थी। तो अगर हम परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1968 को, 1968 यानी 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, क्लियर। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि दोस्तों, यानी जिसे हम कहते हैं ABM कहते हैं, ये हुई थी दोस्तों 1972 में, जी हाँ 1972 यानी 26 मई 1972 को मास्को में संधि की गई थी। स्टार्ट वन की बात करें तो स्टार्ट वन दोस्तों 31 जुलाई 1991 को हुई थी, और स्टार्ट टू ये दोस्तों हुई थी 3 जनवरी 1993 को। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम काल क्रम अनुसार देखें तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प दोस्तों ए इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों CBSE बोर्ड द्वारा ना ऐसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQs करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, हमारी इस मेहनत को आप सफल बनाएं। चलिए अब दोस्तों जान लेते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि ये हुई कहाँ थी और इसमें क्या हुआ था। तो परमाणु अप्रसार संधि जैसे जैसे आप उसे नाम से ही से देख रहे कि ये परमाणु को जो प्रसार था उसको रोकने के लिए संधि की गई थी। अब इस संधि की अगर बात करें इससे और क्या प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, इसी प्रश्न से और पूछ सकता है कि परमाणु अप्रसार संधि पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में दोस्तों 110 देश ऐसे हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, और इन 110 देशों में से दोस्तों 5 ऐसे देश हैं, जी हाँ 5 ऐसे देश हैं जिनमें परमाणु है यानी जिनके पास नाभिकीय हथियार है। और वो 5 देश कौन से हैं, वह है दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। यानी परमाणु अप्रसार संधि करने वाले से 5 देश जिनके पास नाभिकीय हथियार है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, क्लियर। और दोस्तों ऐसे 5 देश जो इसके सदस्य नहीं हैं लेकिन उनके पास भी परमाणु हथियार है। और अगर हम बात करें परमाणु अप्रसार संधि में जो देश हस्ताक्षरता नहीं है वो कौन कौन से हैं, तो वह दोस्तों हमारा भारत, ठीक है, भारत के साथ साथ दोस्तों इसराइल, इसराइल के साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान के बाद दोस्तों उत्तर कोरिया। यानी वे 5 देश हैं जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्योंकि दोस्तों जो परमाणु अप्रसार संधि है वो आप कह सकते हैं कि इसकी नीति सिर्फ उन्हीं देशों के पक्ष में थी जिनके पास पहले ही से परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, बाकी सभी के लिए नीति अच्छी नहीं थी। तो ये है दोस्तों पहला प्रश्न, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आज का सेकंड प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन युग्म सुमिलित है, यानी इसमें कौन सा दोस्तों युग्म जो है वो सही सुमिलित हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचोव, ग्लासनोस्ट, हेनरी किसिंजर, दिदांत और सैमुअल फर्टिगन दोस्तों, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और जो है ग्लासनोस्ट की नीति का पालन किया था, जहाँ ग्लासनोस्ट के साथ साथ उन्होंने पेरेस्ट्रोइका का भी जो पेरेस्ट्रोइका नीति थी उसको भी पालन किया था। तो ये जो पहला मिलान बिल्कुल सही है सोवियत संघ के। और अगर हाँ दूसरी बात करें हेनरी किसिंजर, तो दोस्तों जो दिदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और इस दिदांत की जो नीति थी उसको लागू करने वाले थे वह हेनरी किसिंजर। सैमुअल फर्टिगन दोस्तों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये कहते हैं इस शीत युद्ध के दौरान, ये भी तीसरा सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मिलान सही है। हेनरी किसिंजर एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और
राजनयिक हैं, और ये किस समय थे, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। सैमुअल हेटिंगन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने एक पुस्तक के बारे में लिखा था जिसे कहते हैं सभ्यताओं का संघर्ष, और इनके द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जिसका सार यह है कि शीत युद्धोत्तर संसार के लोगों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान ही संघर्षों का मुख्य कारण होगी। तो ये तीनों मिलान सही है, यानी 1, 2, 3 और सही बिल्कुल आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कथन और कारण दिया गया है। कथन ए, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे शांति कहा जाना चाहिए। कारण आर दोस्तों क्या है, ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति होती है और ना ही वास्तविक युद्ध। तो अब हमें देखना है दोस्तों कि कथन एक सही है, कारण दोनों सही है, कथन एक सही कारण गलत है। तो ऐसे भी प्रश्न सीबीएसई द्वारा पूछे जाएंगे इस बार दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न में करना है। तो जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे शांति कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे शांति कहा जाना चाहिए, बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि शीत युद्ध काल में छोटे मोटे युद्ध तो हुए थे, बिल्कुल शांति नहीं थी। तो दोस्तों कथन जो है वो गलत है, कारण की बात कर लेते हैं। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति होती है और ना ही वास्तविक युद्ध। तो दोस्तों जो है कारण इसका जो सही है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान पूर्ण रूप से शांति नहीं थी और वास्तविक युद्ध भी नहीं हुआ था, राइट, छिटपुट युद्ध होते रहते, कागजी युद्ध हो रहा था। तो उसका कथन ए गलत है दोस्तों, कारण आर जो है सही है। क्लियर हो गया दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सपोर्ट कर दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, शीत युद्ध के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में नया आयाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी जो शीत युद्ध काल था दोस्तों और उसमें जो राजनीति की प्रकृति थी उसमें नया आयाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमारे सामने विकल्प है दोस्तों, दिदांत, बी नाटो, सी रोम बर्लिन टोक्यो सम्मेलन, या एशिया में नवजागरण। तो शीत युद्ध के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति में दोस्तों नया आयाम जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था वह है दोस्तों दिदांत। दिदांत ने दोस्तों शीत युद्ध की राजनीति में पूरी तरह से एक नया आयाम जो है परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि हम जब भी दिदांत की बात करते हैं तो इसमें सोवियत संघ और अमेरिकी खेमा की बात करते हैं कि किस तरह दोनों ने आपसी स्थिति को संभाले रखा था। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न है अगला है, दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख लक्षण नहीं है। तो दूसरे विश्व युद्ध का इसमें से प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों, क्या नहीं है दोस्तों, हम देखते हैं। पहला है आपके सामने विकल्प है साम्यवाद विरोधी होना, दूसरा है सोवियत संघ विरोधी होना, तीसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रेरक होना, और चौथा है विचारधारा के दायरे से परे होना। तो दूसरे विश्व युद्ध का जो प्रमुख लक्षण नहीं है, तो इसमें से कौन सा लक्षण नहीं, सबसे पहले देख लेते हो दोस्तों लक्षण क्या है। तो साम्यवाद विरोधी होना ये बिल्कुल लक्षण था दोस्तों दूसरे युद्ध के कारण, यानी साम्यवाद भी और पूंजीवाद विरोधी ये दूसरे विरोधी थे। सोवियत संघ विरोधी होना ये भी प्रेरक है दोस्तों, लक्षण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रेरक होना, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन दूसरे युद्ध का प्रमुख लक्षण है। अब नहीं है तो तीसरा क्या, चौथा क्या दोस्तों, विचारधारा के दायरे से परे होना। तो ये जो चौथा विकल्प दोस्तों ये जो है विश्व युद्ध का दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख लक्षण नहीं है, ठीक है, तो है विचारधारा से परे होना। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प 4 इसका सही उत्तर है दोस्तों, बाकी तीनों सही है। चलिए, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है, यानी शीत युद्ध का अंत का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए यूगोस्लाविया का बिखराव, ऑप्शन बी सोवियत संघ का बिखराव, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया का विभाजन, ऑप्शन डी यूरोप का एकीकरण। तो दोस्तों शीत युद्ध का अंत का जो प्रमुख कारण है वो आप सभी को पता ही होगा, वह है दोस्तों शीत युद्ध का जो था वो सोवियत संघ बिखराव, यानी सोवियत संघ विघटन जब 1919 में हुआ उसी समय दोस्तों जो है शीत युद्ध का अंत भी हो गया था। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वह है सोवियत संघ का बिखराव, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में, और इसी समय दोस्तों जो वारसा संधि थी उसका भी विघटन अंत हो गया था, राइट। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा, सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम क्या रहा दोस्तों, शीत युद्ध का अंत, यूएनओ के सदस्यों में वृद्धि, एशिया में नवजागरण, और गुट निरपेक्ष आंदोलन के दायरे बढ़ाना। तो सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का जो सबसे प्रमुख परिणाम रहा है वो था दोस्तों शीत युद्ध का अंत, क्योंकि सोवियत संघ में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ
और इसी आर्थिक संकट ने दोस्तों सोवियत संघ के विघटन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, यानी आर्थिक संकट की वजह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, और विघटन होने से जो है वो शीत युद्ध का अंत भी हो जाता है। तो ये था सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का जो प्रमुख परिणाम रहा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, शीत युद्ध के अंत का सूचक है, शीत युद्ध के अंत का सूचक क्या है? ए बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, बी जर्मनी का एकीकरण, सी वारसा संधि का अंत, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जो शीत युद्ध के जो अंत का सूचक है वो क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बर्लिन की दीवार का ध्वस्त, यानी बर्लिन का जो एकीकरण था वो भी क्या था दोस्तों, बर्लिन की दीवार गिर जाना भी शीत युद्ध का बिल्कुल सूचक है, यानी इसकी दीवार के बाद जैसे ही जर्मनी का एकीकरण होता है तो शीत युद्ध का अंत हो जाता है। जर्मनी के एकीकरण भी शीत युद्ध का अंत का सूचक है, वारसा संधि का अंत भी शीत युद्ध का सूचक है दोस्तों, क्योंकि वारसा संधि 1991 में जिसका अंत हो जाता है वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। तो इसके जो तीनों विकल्प सही हैं, यानी दोस्तों जो है उपरोक्त सभी, यानी शीत युद्ध के अंत का सूचक तीनों हैं, बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, जर्मनी का एकीकरण और वारसा संधि का अंत। जैसे आप सभी बताया कि जो बर्लिन दीवार का ध्वस्त हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 1989 को जो है बर्लिन की जो दीवार वो ध्वस्त हो गई थी, और अगर आप बर्लिन की दीवार के निर्माण की बात करें तो कभी दोस्तों ये हुई थी 13 अगस्त को, 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार को उठाया गया था और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। इसी के साथ अगर आप बात करें तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण भी इसी समय हुआ था, ठीक है। अगर वारसा संधि की बात करें तो वारसा संधि का अंत हुआ था 1955 में, सॉरी 1991 में, 1991 वारसा संधि का अंत हुआ था, और 1955 में जो दोस्तों थी वो वारसा संधि की स्थापना हुई थी 55 में, राइट। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ दोस्तों? 1 जून 1988, 3 दिसंबर 1988, 9 नवंबर 1989 और 3 अक्टूबर 1990। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ दोस्तों यानी 9 नवंबर 1989 को, सॉरी 79 को जो है, 89 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1989 को, और इसी समय ही दोस्तों सोवियत संघ का विघटन भी हो जाता है इसी के बाद। क्लियर। अगला प्रश्न, निर्गुट देशों यानी गुट निरपेक्ष देशों का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो निर्गुट देशों जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन और नाम भी कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो 15वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बी जकार्ता, शर्म अल शेख, कोलम्बो। तो जो निर्गुट देशों का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख। कहाँ हुआ दोस्तों? मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 11 से 16 जुलाई 2009 को मिस्र के अल शेख में जो हुआ था 15वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। तो जैसे आप सभी बताए दोस्तों गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था सबसे, इसकी जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन की स्थापना हुई थी वो 1961 में, है ना, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी बेलग्रेड सम्मेलन में, और नींव पड़ी थी दोस्तों 1956 के जो इंडोनेशिया का जो बारूंग सम्मेलन था उसके अंदर। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों 15वें सम्मेलन के बाद जो 16वां सम्मेलन कब हुआ था, तो 16वां सम्मेलन 2012 में हुआ था दोस्तों, वो तेहरान में हुआ था, और 17वां सम्मेलन दोस्तों 2016 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हुआ था काराकस वेनेजुएला में, ठीक है। 18वां सम्मेलन दोस्तों 2019 में हुआ था अजरबैजान में, ठीक है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट देशों का जो शिखर सम्मेलन है उसका 19वां और 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, या आप कह सकते हैं 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपसे बताए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के जो स्थापनकर्ता देश, स्थापनकर्ता देश है वो कौन कौन है और नेता कौन कौन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके वीडियो बनाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, शीत युद्ध खत्म होने के बाद और सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब हम हैं, ठीक है, तो अब हम क्या हैं शीत युद्ध समाप्त होने के बाद? दो ध्रुवीय संसार में, बहुध्रुवीय संसार में, एक ध्रुवीय संसार में, या अराजकता में। तो दोस्तों शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद जो पूरी दुनिया है दोस्तों वो एक ध्रुवीय संसार में बट गई थी, यानी अब हम हैं एक ध्रुवीय संसार की व्यवस्था में। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों सुमिरित कीजिए, क्यूबा मिसाइल संकट,
ठीक है, वियतनाम संकट, परमाणु अप्रशासन संधि और सीमित परमाणु परीक्षण संधि। तो दोस्तों इससे आपको सही मिलान करना है, और इस मिलान में आपको सभी को पता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ दोस्तों, 1962 में। यानी अगर हम बात करें सही मिलान का दोस्तों, तो पहले का क्या हो जाता है, पहले का ये 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, राइट। परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो कब हुआ दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुआ था। सीमित परमाणु परीक्षण संधि और वियतनाम संकट, इस दोनों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि आप भी थोड़े से इस ट्राई करें, ताकि आपको क्या लगता है, आप कैसे सही है गलत है जरूर बताना। तो मैंने आपको दो बता दिया है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुई थी और परमाणु अप्रशासन संधि 1968 में, बाकी दोनों आपको बताना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, सुमित कीजिए, ये भी है सूची वन सूची टू को मिलाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ट्रूमैन सिद्धांत कब हुआ था, बर्लिन नाकेबंदी, मार्शल प्लान और सीटो की स्थापना। तो ट्रूमैन सिद्धांत दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। तो दोस्तों जो ट्रूमैन सिद्धांत हुआ था, वो हुआ था 1947 में, यहाँ अमेरिकी विदेश नीति थी ये शीत युद्ध के दौरान, और उस समय राष्ट्रपति थे दोस्तों हैरी एस ट्रूमैन, उसी के ही संदिग्धता में इनकी स्थापना की गई, से ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से यानी ट्रूमैन प्लान के नाम से भी जाना जाता है 1947 में। बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन की नाकेबंदी दोस्तों कब हुई थी, ये हुई थी 1948 यानी 1948 से 1949। तो दूसरे का बर्लिन की नाकेबंदी ये रही 1948 से 1949, तो ठीक है, यानी 24 जून 1948 से 12 मई 1949 तक जो है बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। मार्शल प्लान की बात करें दोस्तों, तो मार्शल प्लान जो था वो 1947 से लेकर 1942 तक, 52 तक, ठीक है, ये था मार्शल प्लान यानी ये। अब सीटों की अगर हम बात करें तो सीटों दोस्तों क्या था, सीटों की स्थापना कब की गई, तो सीटों की स्थापना 1954 में की गई। सीटों की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटों की स्थापना सितंबर 1954 में की गई। अब इसका जो सही विकल्प क्या दोस्तों, कूट दिया गया है ए बी सी डी। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो ट्रूमन सिद्धांत 1947 यानी एक पहला क्या, एक का चार, ठीक है, तो सबसे पहले चार। दूसरा बर्लिन की नाकेबंदी दोस्तों कब की गई, तो बर्लिन की नाकेबंदी मैंने आपको बता दिया था ये हुई थी 1948 1949, ठीक है। इसी तरह मार्शल प्लान दोस्तों, मार्शल प्लान कब हुआ था, मार्शल प्लान 1947 से लेकर 52 तक था, और सीटों की स्थापना 1954, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारे पास जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, हालांकि ये पार्ट वन है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे। इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट्स है दोस्तों आपका, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। हमारी इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है, हमारे चैनल पर रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।